Hello everyone, welcome to UniSmart Tutorials. So today I am going to start exercise 2.3. आज मैं आपको क्लास 8 का 2.3 कराऊंगी. So watch this video till end. Do like, comment and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos. So question number 1 is, solve the following equation and check your result. हमें कुछ equations दी होंगी, हम उससे variable की value find out करेंगे. देन हम वेरीफाई करेंगे अपने रिजल्ट को कि हमारी वैल्यू सही आई है या नहीं. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18. ये मैंने आपको मेथड ट्रांसपोजिंग मेथड पहले भी सिखाया हुआ है. अब हम इसमें वो ना यूज करके हम इसमें बहुत सिंपल मेथड यूज कर रहे हैं कि हम वेरिएबल्स वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे एंड कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ. सो यहाँ पे 2x है प्लस का, जब मैं इसे शिफ्ट करूंगी लेफ्ट हैंड साइड पे सो ये हो जाएगा नेगेटिव. सो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2x is equals to 18. So 3x minus 2x is x. So ये हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है. अब हम क्या करेंगे, चेकिंग कि हमारा आंसर ये सही आया है या नहीं. सो हम इसकी अगर चेकिंग करें, सो सबसे पहले हम LHS देखते हैं. LHS क्या था हमारा, 3x. सो 3x में 3 into x की वैल्यू डाल दी 18. सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 54. ऐसे हम करेंगे RHS सॉल्व. RHS क्या था हमारा, 2x प्लस 18. सो 2x प्लस 18, अब हमने x की जगह क्या डाला अपने वैल्यू, 18 प्लस 18. सो ये हो जाएगा 2x 16, 61 कैरी, 2 1 2 3, 36 प्लस 18 दैट इज 54. अब आप देख सकते हैं हमारा LHS और RHS से आ गया है. LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाई. तो यहाँ पे हमारे ये वेरिफिकेशन प्रोसेस हो चुका है. अब हम कर रहे हैं अपना सेकेंड पार्ट, दैट इज 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5. अब हम यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ कर देंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी साइड. सो ये हो जाएगा 5t, ये प्लस 3t है, जब ये शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3t. और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा माइनस 5, ये माइनस 3 जब शिफ्ट होगा ये हो जाएगा प्लस 3. So 5t minus 3t is 2t is equals to minus 5 plus 3 is minus 2. अब हम t के साथ क्या, यहाँ पे 2, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा डिवाइड. सो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज माइनस 1. t की वैल्यू हमें पता चल गई है माइनस 1 है. अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू सही आई है या नहीं. सो अब हम कर रहे हैं चेकिंग. सो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, LHS साइड पे LHS हमारा था 5t माइनस 3. सो 5t माइनस 3 में हम t की जगह पुट कर देंगे माइनस 1. सो हो जाएगा 5 माइनस 1 माइनस 3. सो हो जाएगा माइनस 5 माइनस 3 इज माइनस 8. अब हम राइट हैंड साइड में भी t की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे. सो राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, 3t माइनस 5. अब आप देख सकते हो 3t की जगह हमने माइनस 1 डाला और माइनस 5. सो माइनस 3 माइनस 5 इज माइनस 8. अब आप देख रहे हो LHS और RHS मेरा इक्वल आ गया. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड. अभी हमारा ये वेरीफाई हो चुका है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है. सिक्स पार्ट इज 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 प्लस 7. अब हम इसे पहले सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट सॉल्व करें, सो 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 7. सो हो जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस प्लस इज माइनस. सो 7 माइनस 3 इज 4. सो हो जाएगा प्लस 4. अब हम वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं. सो 8x प्लस का 3x शिफ्ट होगा ये हो जाएगा माइनस 3x और द प्लस 4 था, जब ये प्लस 4 शिफ्ट होगा ये हो जाएगा माइनस 4. 4 से 4 कट, यहाँ पे आ गया 0 और ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करके 5x. सो यहाँ पे हमें x की पता चल गई है वैल्यू हमारी 0 है. अब हम क्या करेंगे, चेक करके देखते हैं इसे. अब हमें वेरीफाई करना है अपने रिजल्ट को. सबसे पहले LHS देख लेते हैं. LHS हमारा 8x प्लस 4, x की वैल्यू हमने 0 डाली. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 0 इज 0, यहाँ आ गया सीधा 4. ऐसे अब हम इसका RHS पार्ट सॉल्व करें. RHS इज 3 x माइनस 1 प्लस 7.
x की जगह हमने वैल्यू डाली 0 माइनस 1 प्लस 7, सो हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3, माइनस 3 प्लस 7 इज 4. सो हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया. LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई. अभी हमारा वेरीफाई हो चुका है. मूविंग फॉरवर्ड टू सेवेंथ पार्ट, दैट इज x इज इक्वल टू 4 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10. सो इसे हम सबसे पहले ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो 4 बाय 5 को मल्टीप्लाई करा x से, तो ये होगा 4 बाय 5 x प्लस 4 इंटू 10 इज 40 डिवाइडेड बाय 5. अब हम क्या करेंगे, 4 बाय 5 x को उधर शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. ये हो जाएगा x माइनस 4 बाय 5 x इज इक्वल टू 40 बाय 5. यहाँ हम ले लेंगे LCM. LCM आएगा 5, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40 बाय 5. ये हम सीधा सीधा लिख लेते हैं 8. अब यहाँ पे हो गया x बाय 5 इज इक्वल टू 8. सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 8 इज 40. सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40. अब हम क्या करेंगे, चेकिंग. सो चेकिंग अगर हम करें, सो LHS तो हमें पता है x है, सो LHS क्या है हमारा 40. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं. राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, 4 बाय 5 x प्लस 10. x की जगह हमने डाला 40, 40 प्लस 10 इज 50, सो ये हो जाएगा 4 बाय 5 इंटू 50. ये हमारा हो गया कट, ये भी आ रहा है हमारा 40. अब आप देख रहे हो LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया. सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. ये हमारा वेरीफाई हो चुका है. आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के आपको पार्ट्स क्लियर हो गए हैं. दिस इज पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 एंड पार्ट 2 विल बी अपलोडेड सून. सो डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज़.